हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, पिका कार्ड रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए एक सेपरेट चैनल क्रिएट किया है और हाल फिलहाल पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट एनर्जीज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस, देयर नेक्स्ट स्टेप्स पे वीडियो अपलोड हुआ है। और अगर आप पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल को भी रेगुलरली देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं, तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि देखिए ये हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड सेकेंड थिंग, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम, हम टैरो रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें? तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, चाहे फिर वो आपका सन साइन हो, मून साइन हो, एसेंडेंट हो, या फिर नाम के हिसाब से राशि हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड इंट्रिकेसीज एंड इंडस्ट्री। एंड आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इस कार्ड में बड़ी सी बिल्डिंग है और एक इंसान एक एक ईंट रख के इस बिल्डिंग को बना रहा है। इनफैक्ट देखिए, इस कार्ड का मैसेज ही ये है कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी एक एक ईंट रख कर ही बनी है। यानी कि देखिए, किसी भी काम को आप करना चाह रहे हैं, किसी भी गोल को आप अचीव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी, पेशेंस, विल पावर, डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज में स्कॉर्पियोज इस वीक आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है किसी चीज़ को आप पाना चाह रहे हैं, कोई आपका गोल है, और उसी से ही रिलेटेड अगेन मैं कहूँगी एक सब्र आप रखते हुए दिख रहे हैं, एक कंसिस्टेंसी आपके अंदर दिख रही है, आप हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हैं, विल पावर, डिटर्मिनेशन भी आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखिए, सरफेस लेवल के लिए एक रेस्टलेस, एक एंग्शियस एनर्जीज भी साथ के साथ रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे आप चीज़ों को लेकर थोड़े से इम्पल्सिव रहते हुए दिख रहे हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी स्कॉर्पियोज कि अगर ऐसा आप भी पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए, इमीडिएट एक्शन लेने में और इम्पल्सिव होने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जब हम इम्पल्सिव होते हैं तो कहीं हम ठीक से चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, उस टाइम नहीं देख पाते हैं, हमारे एक्शन इनिशिएटिव्स रॉन्ग डायरेक्शन में होते हैं और फिर आगे जाके हम परेशान होते हैं। तो फिर से मैं कहूंगी इस चीज को जरूर चेक करके करेक्ट करें। एंड दूसरी बात, देखिए ये कार्ड्स कहते हैं या तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं जिनके साथ आप कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अपने प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं, या मैं कहूँगी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं। ये चेंजेस भी सबके लिए डिफर कर सकते हैं। कुछ के लिए चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट, चेंज ऑफ टीम, या फिर किसी भी तरीके के चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं जिनको लेकर कुछ इश्यूज, कुछ मसले हो रहे हैं है। देखिए, मैं आपको यही कहूंगी स्कॉर्पियोज कि ये वीकली रीडिंग है और नया वीक नई एनर्जीज लेकर आएगा। अगर आप थोड़ा सा भी अपने मन को शांत कर पाएंगे, अपनी रेस्टलेस एनर्जीज को ठीक कर पाएंगे, तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्शन इनिशिएटिव्स ले पाएंगे और अपने गोल, अपने मकसद को भी आप अचीव कर पाएंगे। तो इस चीज का भी ख्याल
इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड देखिए, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर आपके ट्रैवल प्लान्स हैं जिनको लेकर भी कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जिस भी व्हीकल से या फिर जिस भी चीज़ से आप ट्रैवल कर रहे थे उसको लेकर कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं सिक्स ऑफ वॉन्स रिवर्स एंड बर्थ। और देखिए, बर्थ का कार्ड बहुत ही क्लियरली किसी चीज़ के बॉर्न होने की या फिर पैदा होने की बात करता है। यहाँ पे देखिए, कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए किसी आइडिया की बर्थ हो सकती है, किसी प्रोजेक्ट की बर्थ हो सकती है, किसी भी चीज़ की एक नई बिगनिंग इस वीक रहती हुई दिख रही है। लेकिन देखिए, सर्फेस लेवल के लिए सिक्स ऑफ वॉन्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप इतने एक्साइटेड, इतने एंथुजियास्टिक नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, या मैं कहूंगी कि कहीं कॉन्फिडेंस में कमी रहती हुई दिख रही है, सेल्फ एस्टीम में थोड़ी सी एक मिसिंग सी एनर्जी रहती हुई दिख रही है। और इसके लिए भी सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्स रिवर्स का कार्ड कहता है आपको ऐसे लग सकता है कि भाई जो भी लोग आपके साथ हैं वो आपके पीछे से कहीं बातें कर रहे हैं, या फिर इतने सपोर्टिव, इतने कोऑपरेटिव आपके लिए नहीं हो रहे हैं, या फिर आपने जितना एफर्ट उनके लिए किया, जितनी मेहनत आपने उनके लिए करी, आपके एफर्ट्स को कहीं वो रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी एक लो एनर्जीज में आप रहते हुए दिख रहे हैं सर्फेस लेवल पे। इसके बावजूद कि एक नई बिगनिंग या तो हो रही है या फिर एक नई बिगनिंग आप चाह रहे हैं, और थोड़ा सा देखिए एक्शन इनिशिएटिव्स आप लेना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, और उतने मोटिवेटेड भी चीज़ों को लेकर नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी स्कॉर्पियोज कि हम जब बहुत टाइम तक ऐसी एनर्जीज़ में रहते हैं तो इन्हीं एनर्जीज़ में हम कहीं सिंक इन करने लगते हैं, डीप जाने लगते हैं, और फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अपने आप को इन एनर्जी से बाहर निकालना। तो जैसे ही हमें लगे कि भाई हम थोड़ा सा लो एनर्जीज़ में हैं या फिर चीज़ों को लेकर, अपने मकसद को लेकर इतने एंथुजियास्टिक नहीं महसूस कर रहे हैं, इतने मोटिवेटेड नहीं महसूस कर रहे हैं, उसी टाइम अगर हम एफर्ट करके अपने आप को इन एनर्जीज़ में से बाहर निकालते हैं तो फिर एक बेटर एनर्जीज़ अपने लिए ला पाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल आप अपने पर्सनल फ्रंट में इस वीक ज़रूर रखें। यानी कि देखिए, अगेन एक नई बिगनिंग हो रही है, अगर थोड़ा सा आप अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे कॉन्शियस एफर्ट करके, आप थोड़ा सा एक एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट ला पाएंगे, तो आप चीज़ों को काफ़ी बेटर कर पाएंगे। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए वाइज लीडर का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है यू आर अ बीकॉन फॉर अदर्स। तो देखिए, बहुत ही क्लियर मैसेज है कि चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाते हुए, थोड़ा सा एक क्लैरिटी लाते हुए, आप जब लीड लेके आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप आसान कर देंगे, बहुत सारी चीज़ों को आप पॉजिटिव कर देंगे। तो नटशेल में देखिए, एक लीडरशिप क्वालिटीज लाने की ज़रूरत है, एक कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, एक क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, और बहुत एसर्टिवली अपने गोल, अपने मकसद के डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।